Hello everyone, today we will solve from question number 10 of exercise 13D class 8th ICSE board. हम ICSE board के सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13 की क्वेश्चन 9 तक के सभी क्वेश्चन के सभी एक एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं. टॉपिक आपका चल रहा था फैक्टराइजेशन. अभी 1 से लेकर 9 तक हमने कराए थे आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की यानी जो ट्राइनोमियल थे उसके फैक्टर. अब आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस टाइप के फॉर्म ये ट्राइनोमियल इस टाइप का दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इससे पहले हमने क्या सीखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले करे थे 1 से लेकर 9 तक. अब क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर का भी कोफिशियंट होगा तो हमें करना क्या है सेम उसी तरह की है. पहले हम सी के दो फैक्टर करते थे अब हमें सी और फर्स्ट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है. जो भी आएगा ए सी एक्स स्क्वायर या खाली आप कॉन्स्टेंट्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फिर उसके दो पार्ट्स ऐसे जिसका सम आए एक्स के कोफिशियंट के और मल्टीप्लाई इन दोनों के प्रोडक्ट के. हम पेपर पर करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. और है बिल्कुल सेम वैसी है बस थोड़ा सा एक काम बढ़ जाएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसके साथ हमें कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6. इससे पहले 9 तक क्या थे खाली इतना था ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6. अब यहां ए स्क्वायर के साथ भी कुछ ना कुछ टर्म है कोफिशियंट इसका. तब करना क्या कुछ नहीं करना हमें कॉन्स्टेंट टर्म सी का मल्टीपल ए स्क्वायर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोफिशियंट से कर दीजिए विद साइन 6 × 12 या पूरा भी कर सकते हैं 6 × 2a² 12a² उससे कोई फर्क नहीं है. मेन ये 12 आया. देखो एक ध्यान रखो अगर सारे के सारे प्लस में तो जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसके फैक्टर हमेशा दोनों प्लस में होंगे. तो 12 के दो ऐसे पार्ट निकालने हैं हमें जिसको ऐड करने पर तो प्लस का 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 तो वो कौन से हो गए 3 और 4. देखो 3 + 4 करोगे तो 3 + 4 = 7 और 3 × 4 करेंगे तो 3 × 4 = 12. देखो प्लस करने पर 7 आ रहा है बीच वाला टर्म आ रहा है यानी कि ए का जो कोफिशिएंट वो आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है जो 6 × 2 = 12. तो इस 7 ए की जगह हम लिख लेंगे 3a + 4a. आगे क्लियर समझ में आ गया. चलिए करते हैं इसको. तो हमें क्या करेंगे 2a² 7a को हमने लिख लिया 3a + 4a या 4a + 3 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर दोनों से सेम आ. अब क्या करा फर्स्ट टू टर्म में जो एस सी एफ है 2a² और 4a एस सी एफ है ये 2a 2a कॉमन आ जाएगा. जो कॉमन आता है ब्रैकेट में बचता क्या टू टर्म में से जो कॉमन आया उसका डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ए बचा. अब क्या साइन है प्लस या माइनस बोतार लो. अब इसका डिवाइड कर दो सेकंड टर्म में 2 से 4 2 times कैंसिल और ए से एक कैंसिल हो गया दैट ए प्लस 2 बचा. लास्ट के टू टर्म में क्या एस सी एफ है प्लस का 3 कॉमन ले लिया 3 का डिवाइड करा तो ए और 3 का 6 में करा तो 2. इसके बाद तो कर चुके हैं 1 से लेकर 9 तक है ना वही करना है. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ये दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में a + 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कॉमन आ जाएगा अंडरलाइनिंग करनी है आपको. तो हमने a प्लस 2 कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म से तो बचा 2a और सेकंड टर्म से बचा 3. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 है 3a² - 5a + 2. अब मैं समझाता हूं इससे. अब हमें क्या करना है 2 का मल्टीपल 3 में तो 2 × 3 कितना आ गया 6. अब 6 के दो पार्ट ऐसे करने हैं जिसका सम तो माइनस में आ रहा है और प्रोडक्ट प्लस में. प्रोडक्ट प्लस में कब आता है जब दोनों के साइन सेम हो है ना या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव. अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा देखें -2 और -3 दो हमें मिल गई 2 और 3 को -2 मतलब हमने जो प्रोडक्ट करा 6 6 को -2 और -3 इसको जब इंटू करोगे -2 × -6 आ गया +6 और जब प्लस करोगे -2 + -3 कितना आ गया -5 जो कि हमें चाहिए था -5. तो इसके फैक्टर यही हो गए हमें क्या लिखेंगे -2a - 3a या -3a - 2a. क्लियर समझ में बात. तो हमें क्या करना है यहाँ -5a² की जगह लिख लो -3a - 2a और कॉन्स्टेंट जो भी है. अब लास्ट फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 3a दिखाई दे रहा है साफ साफ 3a कॉमन आ गया 3a का डिवाइड करा a बचा 3a का इसमें करा तो -1. इन दोनों में -2 कॉमन ले लिया तो a -1. अब दिमाग में आता सर खाली 2 भी तो ले सकते थे बिल्कुल ठीक है ले सकते हो. जब हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा -a + 1
हमें वो कॉमन लेना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है, जिससे कि बात नेक्स्ट स्टेप में तो कुछ कॉमन आ जाए। अगर आप प्लस टू लेते तो माइनस ए प्लस वन फिर कुछ कॉमन ही नहीं आता, इसलिए हमने प्लस टू की जगह माइनस टू कॉमन लिया, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। अब ए माइनस वन कॉमन आ गया तो क्या बचा, थ्री ए माइनस टू। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है 7b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 1, 1 का मल्टीपल 7, 1 7 या 7, तो इसके दो ही फैक्टर बने, वही बने 1 और 7, लेकिन क्या करेंगे दोनों के साथ माइनस, माइनस 1 माइनस 7 हो गया माइनस 8, माइनस 1 इंटू माइनस 7 हो जाएगा प्लस का 7, तो इसे हम क्या लिखेंगे 7b स्क्वायर माइनस 7b माइनस बी प्लस, क्लियर। फर्स्ट टू टर्म में 7b कॉमन, इसका डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, b से एक पावर कैंसिल, तो ऑनली बी माइनस वन। लास्ट टू टर्म में हमने माइनस वन कॉमन ले लिया, और ये मैं समझा नहीं था ज़्यादा क्योंकि ऊपर करता हूँ, माइनस क्यों लिया क्योंकि b माइनस वन बची। अब इन दोनों में b माइनस वन कॉमन आ गया तो बचा 7b माइनस वन। हो सकता है आप लोग में से बहुत से लोग पहली वीडियो देख रहे हैं तो उनके बात समझ में नहीं आएगी, एकदम से जल्दी कर दिया ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उससे पहले सभी वीडियो का, तो आप उसको जरूर देख लीजिए, तो आपको अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, कोई नीड नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको जरूर देख लीजिए, वहाँ मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, है ना, डिवाइड करके भी समझा चुका हूँ, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड, तो आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा, क्योंकि अब मैं हर क्वेश्चन में समझाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ऑलरेडी मैं शुरू की वीडियो में समझा चुका हूँ अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 2a स्क्वायर माइनस 17ab प्लस 26b स्क्वायर। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं ab, आप किसी भी एक को कांस्टेंट की तरह यूज करो और एक को वेरिएबल की तरह, लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का मल्टीपल इसमें करते हैं तो 26 का 2 में मल्टीपल कर दो आप, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू का, वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया प्लस के 52। अब प्लस के 52 को ऐसे ब्रेक करो जिसको ऐड करने पर माइनस 17 आए, तो वो मुझे मिल गया माइनस 3 माइनस 4। देखो माइनस 3 प्लस माइनस 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस 17, और अगर इनका मल्टीपल करेंगे माइनस 13 और माइनस 4 तो प्लस के 52, जो कि प्लस के 52 चाहिए था, तो इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस के 4ab और माइनस के 13ab, क्लियर। तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस के 13ab, और लास्ट का जो भी कांस्टेंट की तरह यूज करा 26b स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में 2a कॉमन आया, 2a का डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल, टू से माइनस 2b। लास्ट टू टर्म में 13b तो कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब प्लस का लेना है कि माइनस का, अगर हम 13b लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस के a, जबकि यहाँ सॉरी 13 ए तो चला, 13b तो छोड़ गया, माइनस के a बचेगा जबकि चाहिए प्लस का ही, तो इसमें हमें 13b की बजाय माइनस 13b लो, माइनस 13 से माइनस 13 कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बचा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 13 का डिवाइड 26 में 2 और बी का डिवाइड बी स्क्वायर तो ऑनली बी, तो ए माइनस 2b ए माइनस 2b सेम है, ये नए सिस्टम में कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2a माइनस, फर्स्ट टर्म में से 2a बचा और सेकंड टर्म में से तो कॉमन चला गया, तो क्या माइनस के 13b। ये आपका क्वेश्चन 13b कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर। समझ गए, दो वेरिएबल है, लास्ट वाले टर्म को हम कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं, माइनस 6 का 2 में मल्टीप्ल करो कितना आया भैया 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, ठीक है ना, माइनस 12 तो आया, चलो दोबारा देख लो, अगर आपको प्रॉब्लम 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12। अब इस माइनस 12 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं, एक्स वाई का मतलब 1xy, जिससे कि प्लस का 1 बचे और प्रोडक्ट आए माइनस के 12, तो वो हमें मिले 3 और 12, प्लस माइनस का 3 ले लो प्लस का 4 ले लो, 4 में से 3 सेपरेट करोगे तो प्लस का 1 बचेगा और माइनस 3 इंटू 4 करोगे तो माइनस 12 ही आएगा, तो माइनस 3 और 4 इसके फैक्टर हो गए माइनस 3 और 4, तो क्या करें इसको, इसकी जगह हम लिख लेंगे प्लस का 4 है तो 4xy और माइनस का 3 तो माइनस 3xy माइनस 6y स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो गया ट्वाइस x आ गया फर्स्ट टू टर्म में कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कॉमन हो गया x बचा, 2x का इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 से 2 तो प्लस के 2y। सेकंड टर्म में एक तो माइनस दिखाई दे रहा है कॉमन आ रहा है और एक 3b आ रहा है और y भी, क्योंकि 3y इसका एचसीएफ है, माइनस 3y का इसमें डिवाइड करें माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, ओनली x बचा। अगर आपने सही कॉमन लिया तो सोचने की जरूरत नहीं, जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है आंख बंद करके वही लिख दीजिए, वही आएगा, चेक कर लो, माइनस माइनस में हो गया 3 से 6 टूटा है, 2 टाइम्स कैंसिल और y से y स्क्वायर डिवाइड करें तो y बचेगा। अब क्या हुआ x प्लस 2y, x प्लस 2y सेम है
तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कॉमन लेंगे एक्रॉस टू वाई, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x-3y, फर्स्ट टर्म से 2x बचा, ये तो कॉमन चला गया, ये कॉमन चला, क्या बचा -3y। तो ये क्वेश्चन 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट है आपका 4c² + 3c - 10। तो क्या करना है हमें, स्क्वायर वाला का कोफिशियंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है -10, इसका प्रोडक्ट करा तो आ गया -40। -40 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो दो जिसको ऐड करने पर प्लस का 5 आए, तो वो मिल गया मेरे को 8 और 5। देखो 8 प्लस का माइनस का 5, 8 में से 5 सेपरेट जाएंगे, प्लस के 3 बचेंगे, और 8 × -5 करोगे तो प्रोडक्ट वही आ गया -40। तो इस 3c की जगह लिखेंगे 8c - 5c, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4c² + 8c - 5c - 10। फर्स्ट टू टर्म में से 4c कॉमन आ गया तो बच्चा c+2, लास्ट के टू टर्म में -5 कॉमन आ गया तो c+2। ये समझ गए है ना, अब c+2 कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म से c+2 तो कॉमन चला गया, क्या बचा ओनली 4c, और यहां से क्या बचा -5। तो ये इसका आपका आंसर भी हो गया 15 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है 14x² + x - 3। क्या होगा, अब तो ओरली चलते हैं, चलो 14 × -3 कितना होगा, -42 चाहिए, 1 तो बचे 7, 6, 7 प्लस का लो -6, 7 में से 6 सेपरेट करेंगे प्लस का 1 बचेगा, और 7 × -6 करेंगे तो -42 आ जाएगा, यानी कि इस x के प्लेस पर लिखेंगे 7x - 6x। तो ये हो गया आपका 14x² + 7x - 6x - 3। फर्स्ट टू टर्म में 7x कॉमन आ गया, 7x का डिवाइड करा तो 2, और ये 2x + 1, -3 कॉमन ले लिया 2x + 1। अब क्या कॉमन आएगा, दोनों टर्म में ब्रैकेट में जो है दिखाई दे रहा है 2x + 1, ये कॉमन आ गया, बचेगा क्या ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म से कॉमन चला गया तो बचा 7x, और सेकेंड टर्म से बचा -3, और ये आपका 16 का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट 17 है आपका 6 + 7b - 3b² क्या हुआ, डर गए मतलब स्क्वायर वाला टर्म पहले होता है ना, ठीक है। देखो क्या होता है, इक्वेशन को, इक्वेशन तो नहीं, खैर एलजेब्रिक जो इक्वेशन दे रखा है, हमें इसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर में लिखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये डिसेंडिंग असेंडिंग मतलब वेरिएबल की पावर के है ना, तो ये क्या है, पावर के असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ 1 या 2, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। इससे पहले जो करे थे ये थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्या, देखो एक्स की पावर 2 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में जाके कुछ नहीं, यानी कि एक्स की पावर 0 है, सबसे लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म रखना चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या हमें भी ले सकते हैं, एक ही बात है, -3b² + 7b + 6, वही 6 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, अगर आपको प्रॉब्लम आती है, पहले तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं इसको चेंज ना करके ऐसे करता हूँ, क्या करो बस 6 का मल्टीपल, वही इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना होता है, 6 का मल्टीपल -3 में, 6 × -3 कितना हो गया -18, -18 के दो फैक्टर जिससे कि सम आए 7, वो हो गए 9 और -2, 9 में से -2 सेपरेट करो 7, और 9 × -2 करो 18, बस कुछ नहीं करना, तो ये हो गया 6 + 9b - 2b - 3b². फर्स्ट टू टर्म में से केवल 3 कॉमन आ रहा है, 3 का डिवाइड करो 3 × 2 = 3, 3 × 3 = 3, लास्ट टू टर्म में से -b कॉमन आ रहा है ओनली, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और बी से भी कैंसिल 2 और 3b। तो देखो आप 2 + 3b सेम है, कॉमन आ जाएगा 2 + 3b, क्या बचेगा 3 - b, हो गया आंसर। इससे आप अपने आप करना, ये तो कर चुके, तो कोई जरूरी नहीं है आपको चेंज करने की जरूरत, तो आप सीधे सीधे करो, बस ये ध्यान रखोगे कि 7b शुरू में ना हो, 6 बीच हो, सब गलत हो जाएगा, हाँ आप कर दो हो ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। हमें क्या करना है, वेरिएबल को पावर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कांस्टेंट टर्म या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा या सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना, और उसके बाद ही नहीं स्क्वायर टर्म वाला सबसे लास्ट में होगा, सीधी बात है, पहले कांस्टेंट, फिर बी की पावर 1, फिर बी की पावर 2, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये 17 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी 17 की तरह है, मतलब क्या है, पावर असेंडिंग ऑर्डर में, 5 + 7x - 6। तब तो आपको समझ में आ गया, -6 का 5 में मल्टीप्ली करा कितना आ जाएगा, -6 × 5 - 30। इस -30 के 2 फैक्टर ऐसे करो कि सम आए 10, तो वो मिल गया मुझे 10 और 3, प्लस के 10 और -3, 10 में से 3 सेपरेट करेंगे 7, और 10 × -3 - 30, तो इसे हम लिख लेंगे 5 प्लस
10x माइनस 3x माइनस 6x स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से ओनली 5 कॉमन आ रहा है, 5 का डिवाइड 5 में करा 1 टाइम्स, 5 का डिवाइड 10x में करा 3x। लास्ट के टू टर्म में 3 और x भी कॉमन आ रहा है, माइनस 3x का माइनस 3x में करा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 का डिवाइड 6 में करा 2 और x का x स्क्वायर में 2x। तो 1 प्लस 2x कॉमन आ जाएंगे, 1 प्लस 2x हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 5 माइनस 3x। फर्स्ट टर्म से 5 बच्चा, ये तो बाहर चला गया कॉमन, ये भी बाहर चला गया, सेकंड टर्म से माइनस 3x। तो ये क्वेश्चन 18 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20 तक करेंगे, 20 तक सब इसी तरह के, फिर 21 से 25 नेक्स्ट अलग मेथड से वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 वो हमें दे रखा है 4 प्लस y माइनस 14y स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया, 4 × 14 माइनस है 56, 8 7 56, 8 और माइनस 7 कर लो, 8 में से 7 के प्लस के बचेगा, 8 × -7, क्लियर समझ में आ गई ना बात। चलिए लिखते हैं, तो लिख लें 4 प्लस 8y माइनस 7y माइनस 14y स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में 4 और 8y का एचसीएफ होगा 4, तो ये कॉमन आ जाएगा, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, 4 का डिवाइड 8y में तो प्लस 2y। इसमें माइनस भी दिखाई दे रहा है, 7 भी दिखाई दे रहा है, y भी, माइनस 7y का डिवाइड कर दो 1, बस में डिवाइड करेंगे तो प्लस के 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2y कॉमन, तो बचा 4 माइनस 7y, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन 19 भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज में आपके 25 क्वेश्चन है, 25 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 आपका 5 प्लस 3a माइनस 14a स्क्वायर। समझ में आ गया शायद, 5 का मल्टीपल माइनस 14 में माइनस 70 है ना, कितना माइनस 70। तो इसके फैक्टर तो मिल गए मेरे को 10 और 7, देखो 10 में से माइनस 7 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, मतलब 10 माइनस 7 प्लस का 3, और 10 इंटू माइनस 7 करेंगे 70, तो मिल गया से सीधा। इसे लिखेंगे 5 प्लस 10a माइनस 7a माइनस 14a स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 5 है, जो एचसीएफ है वही कॉमन आता है, 5 का डिवाइड करें 5 बन जा, 5 का 10a में तो 2, फिर आ रहा है माइनस के 7a, तो 1 प्लस 2। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत समझा चुका हूँ। अब इन दोनों में 1 प्लस 2a कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली है क्या, मैं आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो कि एक दो क्वेश्चन करूँ पूरी एक्सरसाइज में, तो मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल से और समझाऊँ, है ना, लेकिन नीड नहीं है समझाने की, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन 20 आपका सॉल्व हुआ, इसका आंसर हो गया 1 प्लस 2a × 5 माइनस 7a। इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद करता हूँ, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। 21 से लेके 25 तक थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो मैंने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में बनाया। पहला हमने बनाया था जिसका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। दूसरा जो आज की वीडियो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। और नेक्स्ट वीडियो जो उसमें नेक्स्ट वीडियो बता देंगे किस टाइप के सवाल है ना। तो मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।